नमस्कार, राम राम। आप सभी का पारमिस्ट्री ज्ञान चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपके हाथ में वो कौन सा चिन्ह है जो आपको धार्मिक बनाती है, आपको ज्ञानी बनाती है और काफी गहरे नॉलेज वाली। कहते हैं ना कि हम किसी की तह तक जाने, किसी भी धार्मिक के अंदर और गहराइयों में जाना, उसको हम ज्ञानी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा, हम अपने होने वाले इस जीवन में जो भी घटनाक्रम होती है उसके बारे में बताती है। इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा, हम किसी बात को कितने गहराइयों तक सोचते हैं या हम कितने गहरे विचारों में जाते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार ये हृदय रेखा। कहते हैं ना कि आपके अंदर दिल है, आपके अंदर प्यार है, ये आपके प्यार को जाहिर करती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा चिन्ह है जो आपको ज्ञान देती है, और ज्ञान ऐसा देती है कि धार्मिक के प्रति आपको आस्था रखने वाली देती है। वो है गुरु का पर्वत। ये गुरु का पर्वत है, इसको हम गुरु का पर्वत बोलते हैं, गुरु का पर्वत। और इस गुरु के पर्वत के ऊपर अगर यहां पर एक फिश साइन बनती है, ये फिश का साइन बनती है। फिश का साइन, यहां पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग काफी गहरे आध्यात्मिक वाले होते हैं और ऐसे लोग धर्म कर्म के प्रति काफी आस्था रखते हैं और ज्ञान इकट्ठा करने के लिए वो धार्मिक चीजें पढ़ते हैं। अब अगर वो हिंदू धर्म है तो गीता पढ़ेंगे और रामायण पढ़ेंगे, मतलब इन जितने भी धार्मिक चीजें हैं उन चीजों का गहरा अध्ययन करेंगे। अगर वो किसी और भी कास्ट से संबंध रखते हैं तो उस भी धर्म की चीजें वो अवश्य पढ़ते हैं, क्योंकि इनको नॉलेज लेना होता है और उस प्रति के धर्म के प्रति काफी गहरी आस्था में जाने वाले होते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको नॉलेज है किसी एक धर्म के प्रति और गहरी आस्था रखते हैं तो आपके हाथ के ऊपर, अगर आपके गुरु के पर्वत के ऊपर फिश साइन है, ये आपको ज्ञानी बना देती है, आपको मास्टरमाइंड ज्ञानी बनाएगी, धर्म के प्रति विश्वास करवा देती है। और इसी प्रकार से यहां पर एक गुरु वलय बना हो, इसको हम गुरु का वलय बोलते हैं। ये गुरु का वलय बना, गुरु का वलय एक धार्मिक तक की तरफ लेके जाता है। ऐसे लोग धर्म कर्म के प्रति आस्था रखते हैं। धर्म कर्म का मतलब यहां पे हर चीज से होता है, मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, गुरुद्वारे बनवाना, मतलब धर्म के प्रति कार्य करना, एक प्रबंधक का काम करते हैं। ऐसे लोग कभी किसी भी संस्था में रहेंगे तो वहां का प्रबंधक बन के रहते हैं और इन लोगों को एक मार्गदर्शन देने का काफी गहरा अध्ययन होता है। कहते हैं ना कि अगर ये आपके हाथ में ये चिन्ह है तो आपके किसी का बुरा नहीं कर सकते। ऐसे लोग अपने ज्ञान के बदौलत, अपने धर्म के बदौलत किसी का एक बड़े से बड़े कार्य को भी करते हैं और ऐसे लोग काफी मान सम्मान वाले व्यक्ति माने जाते हैं और अपने मान सम्मान के कारण एक ऊंचे अच्छे पद पर, कहते हैं ना कि
कि ऐसे लोग आसीन होते हैं, ऐसे लोग आस्था करने वाले होते हैं परमात्मा के प्रति, ऐसे लोग किसी का बुरा भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।